तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ब्यूरो के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन, की प्लस के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो का लास्ट तक जरूर बना रहे। अब अगर बात करते हैं जहां पर पहले मैच में वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हराया और सीरीज में 1 की लीड भी ले ली, तो बात करते हैं दूसरे T20 मैच की जो कि खेला जाएगा 14 दिसंबर को नेशनल क्रिकेटर स्टेडियम ST जॉर्ज में। वहीं अगर वेदर रिपोर्ट की बात करें तो मैच के दिन मौसम पूरी तरह क्लियर रहेगा। टेम्परेचर की बात करें तो जहां पर 20 से 22 डिग्री के सेल्सियस के बीच रहेगा। वहीं अगर पिच रिपोर्ट की बात करें तो यहां का पिच पूरी तरह सॉलिड है, स्लो जा सकते हैं, सिम्स बॉल कर यहाँ पे हेल्प नहीं मिलेगा। वहीं अगर दोनों टीमों का हेड टू हेड चेक करते हैं तो टोटल T20 मैच 25 खेले गए हैं, जहाँ पे इंग्लैंड 10 मैच जीत के आ रही है तो वेस्ट इंडीज 15 मैच जीत के आ रही है। अब अगर बात करते हैं पहली टीम इंग्लैंड का शॉट एनालिसिस करते हैं। टीम की बैटिंग काफ़ी स्ट्रांग दिख रही है। ओपनर की बात करते हैं जहां पर फिलिप सॉल्ट एंड जॉस पटर ने लास्ट गेम में टीम को अच्छा स्टार्ट दिया था, 6 ओवर में लगभग 77 रन बन गए थे। वहीं अगर मिडिल ऑर्डर में बात करें तो टीम काफ़ी वीक दिखाई दे रही है, जहां पे विल जैक है, बेन डकेट दोनों फ्लॉप थे, यहां दोनों मिलकर पार्टनरशिप को बिल्ड करना होगा। वहीं अगर लोअर मिडिल ऑर्डर में जहां पे हैरी ब्रूक है, लाइम लिविंगस्टोन है जो टीम के प्लस पॉइंट है। वहीं ऑलराउंडर की बात करें तो जहां पे सैम करन टीम की स्ट्रेंथ है, वो विकेट भी ले रहे थे लगातार। टीम में बहुत सारे ऑलराउंडर है। बॉलिंग में बात करें तो लास्ट मैच में वीक थी, एक्सपीरियंस प्लेयर क्रिक वॉक्स ने 15 रन देकर 1 विकेट लिया था। वहीं बॉलिंग में अगर गस अटिक्सन को प्लेइंग 11 में चांस मिल सकता है, कैमरन हिंस फ्लॉप थे, उन्होंने एक भी विकेट नहीं निकाल सका। ऋषि टॉपली को इस मैच में चांस मिल सकता है, इंग्लैंड के बॉलिंग एक्सपेक्टर है। स्पिन बॉलर की बात करें तो जहां पर रहमान अहमद जो अब तक हर मैच में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, आदिल राशिद भी लास्ट गेम में हिट थे, उन्होंने 25 रन देकर 2 विकेट निकाले थे। अब अगर बात करते चलते की प्लेयर जहाँ पे इंग्लैंड का की प्लेयर में है जॉस बटलर है, सैम करन है, हैरी ब्रूक है। अब आगे बढ़ते हैं, चलते दूसरी टीम वेस्ट इंडीज का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं। तो ODI सीरीज जीतने के बाद वेस्ट इंडीज ने T20 में भी जीत का आगाज कर दिया है, इंग्लैंड जैसी टीम को हराया। इस वक्त वेस्ट इंडीज टीम 1 ओवर खेल रही है और एक अच्छा परफॉर्म कर रही है। टीम के लिए ओपनिंग में जहां पे ब्रैंडन किंग है, काइल मार्श ने लास्ट गेम मैच में तहलका मचा दिया, दोनों ने अच्छा स्टार्ट दी थी। नंबर 3 पे वाइस कैप्टन साई होप जो ने 36 रन बनाए। मिडिल ऑर्डर में बात करें तो हेटमाए इस वक्त खराब परफॉर्मेंस से गुजर रहे हैं, लगातार फ्लॉप चल रहे हैं। वहीं अगर निकोलस पुरन की बात करें तो कभी भी गेम को पलट सकते हैं। टीम के कैप्टन रोवन पॉवेल लास्ट मैच में टीम के लिए मैच फिनिश किया और जीत दिला दिया। एंड्रयू रसेल टीम के प्लेयर ऑफ द मैच रहे, जिन्होंने बैट से 29 रन बनाए और बॉल से 19 रन देकर 3 विकेट निकाले थे। वहीं अगर टीम की बॉलिंग भी काफ़ी अच्छी रही, सही बॉलर्स ने विकेट लिए हैं, जहां पे किलर ऑलराउंडर जेसन होल्डर ने 43 रन देकर 1 विकेट लिया था। अकील हुसैन टीम के मेन बॉलर है, उन्होंने लास्ट गेम को अच्छा से खेला। एक्सपीरियंस की बॉलर की बात करें जहां पे अल्जारी जोसफ इस कंडीशन में इफेक्टिव हो सकते हैं। रोमारियो स्टोफर ने लास्ट गेम में 2 विकेट निकाले थे। अब करते हैं वेस्ट इंडीज का की प्लेयर देखते हैं, जहां पे एंड्रयू रसेल है, सिमरन हेटमायर है, निकोलस पुरन है। तो फाइनली दोस्तों हमने हर एक चीज़ पे डिस्कशन कर लिया। अब आगे बढ़ते चलते हैं विनर के अकॉर्डिंग। तो हमारे अकॉर्डिंग आज का मैच विनर इंग्लैंड होगा। यहाँ पे वेस्ट इंडीज को हार मिल सकती है, क्योंकि पिछली हार की बदला इंग्लैंड ले सकता है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बना रहे, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।